मुस्लिम युवक फरहान ने गोलू शर्मा बनकर आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले की जानकारी हिंदू संगठनों को लगने पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी के खिलाफ लव जिहाद का मामला दर्ज कर बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग की है। देवास जिले में स्थित खातेगांव में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी मुस्लिम युवक फरहान ने गोलू शर्मा बनकर आदिवासी युवक के साथ दोस्ती की, उसके बाद मौका पाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आदिवासी पीड़िता का कहना है कि आरोपी युवक शादीशुदा है, आरोपी ने अपनी पहचान छिपाई और उसे धोखा दिया। युवती ने घर वालों को इसकी जानकारी देते हुए आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वे उसको लगभग 10 महीने से जानते थे, कट्टा बताता था मुझे कि मेरे पास एक कट्टा है, अगर तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार। इंडी बाजार चमन चौक चौराहे। अपना नाम बताया था गोलू शर्मा। मुझे गोलू शर्मा का नाम तब पता चला जब उसने मेरे भाई को धमकी दी। उसे दिन मुझे बताया कि मैं गोलू शर्मा नहीं, मैं फरहान पठान। मामले की जानकारी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों को लगने पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने आरोपी के खिलाफ लव जिहाद का मामला दर्ज करने और आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। धारा में भी केस पंजीबद्ध किया जावे और आरोपी के अतिक्रमण में बने मकान और दुकान को ध्वस्त कर आपराधिक तत्वों में कानून का डर बना रहे, इसी कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। महोदय, भयादी के साथ नाबालिग स्थिति में आरोपी ने शिकार बनाकर उसके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया है, जिसमें उसे काफी कष्ट झेलने पड़े। इसकी पूर्ति हेतु प्रशासन से मांग करते हैं उसकी भरपाई आरोपी से वसूल कर पीड़ित बहन को आर्थिक मदद के रूप में 5 लाख रुपये दिलाए जाए। महोदय, आरोपी शादीशुदा था, धर्म से मुस्लिम था, इसके बाद में भी उसने बहन को बहला फुसला कर टोम बरगला कर गोलू शर्मा नाम बताकर प्रेम प्रसंग बनाए, इसलिए यह सब योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद का मामला है, इसलिए आरोपी के खिलाफ लव जिहाद के भी एक केस। खातेगांव थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट ने बताया कि युवती की शिकायत पर आरोपी फरहान के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। उसे दोस्ती करके उसे सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा था, इस पर से थाना खातेगांव में धारा 354 पॉक्सो एक्ट और एसटीएससी एक्ट में एक मुकदमा कायम किया गया। बाद में बालिका के विधिवत रूप से न्यायालय में 164 के कथन कराए गए। वहां पर उन्होंने अपने साथ में दुष्कर्म होने की भी बात बताई, तो उसमें धारा 376 का इजाफा किया गया। आरोपी को विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय पेश किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।